यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी, अभी निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सरदार जी यहाँ पे क्या देख रहा भाई तू? बरसात भी होगी, बंद भी होगी और यहाँ पे खट 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 पट 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 बहुत चल रही है। सीरियसली मजबूरी यही है, जोहे को अलाउ किया हुआ है इसकी वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, बाहर निकलते हैं और इसको थोड़ा दूर करते हैं। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को और प्रेस कीजिए ये बेल के बटन को और पाइए मेरी तरफ से लेटेस्ट वीडियोस। क्या टाइमिंग है, वेरी नाइस। सो यहाँ पे बैठी हुई है मैडम, ये इनको भूख नहीं कंट्रोल हो रही थी और इसकी भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो ये लोग आ चुके हैं खाने। क्या खा रहे हो आप लोग? वेरी गुड। अभी हम बैठे हैं मैके पंजाब, बिल्कुल हमारे होटल के सामने ही है। यहाँ पे पराठे अच्छे हैं, पंजाब वाली और दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना? तो यहीं पे ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और पूरे एक बज गए हैं। लंच के टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ से हमारी गाड़ी उठाएंगे और आगे जाएंगे। तो हम निकल चुके हैं अपने होटल से, जो लोकेशन है वहाँ पे लग रहा है हमारे को टाइम 1 घंटा 2 मिनट अप्रोक्सीमेटली। तो गरिमा कहाँ जा रहे हैं हम? केरी। केरी, केरी क्या? केरी बीच है। ओके, और ये आइसोलेटेड है या कैसे है? आइसोलेटेड है, कैसा बीच है? अब ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। ऐसा लग रहा है कि ये 10 मोस्ट टू बी विजिटेड प्लेसेस इन गोवा में था, तो हमने लिस्ट में से देखा एक, अब जा रहे हैं वहाँ जाके पता चलेगा क्या चीज है। तो ठीक है जी, यहाँ पर डॉल्फिन्स भी होंगी। जी हाँ जी, वहाँ पर डॉल्फिन्स भी पाली हुई है, तो वहाँ पे डॉल्फिन्स भी होंगी, तो चले। हाँ। मासूम चल ही रहे हैं। वेरी स्मार्ट। और आप लोग पूछ रहे होंगे जॉय कहाँ पे है, तो वो भाई साहब सबसे पीछे डिक्की में बड़े प्यार से हमने बिठाए हुए हैं और डिक्की को हमने कवर कर दिया है जिससे धूप कम जाए और एसी फुल पे है। तो यहाँ पे अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और सेवक नहीं चला रहा इस टाइम पे। व्यू बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, ये देखो हमारे लेफ्ट साइड पे पूरी नदी चल रही है किस्म की, और हमारी जो लोकेशन है उसको पहुँचने में अभी भी लगेंगे 24 किलोमीटर 38 मिनट, 38 मिनट्स और लगेंगे। हम बहुत ही आराम से चला रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि पीछे जॉय बैठा हुआ है तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो इंजॉय कर रहा है राइड को पीछे बैठ के, हम बैठ के आगे। और गाड़ी छोटी है इस करके थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है उसके साथ हमारे को, अदरवाइज बड़ी होती तो थोड़ा ईजी हो जाता उसको, बट फिर भी जॉय हमारा काफी कम्फर्टेबल और वो है क्या कहते हैं शोधा बच्चा है, हमारा शोधा बच्चा है तो इस करके एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे भी नहीं है और डेस्टिनेशन रेनिंग हो चुकी है स्टार्ट। जियांश कुछ कहना चाहेंगे? जियांश जी बोलिए। यहाँ पर बहुत तेज बारिश है, हम तो गीले हो जाएंगे बाहर निकल के ही हुए। देखा, इसे कहते हैं बच्चा कितना समझदार है, और ये तीन तीन जो पीछे लेडीज बैठी है इनमें दिमाग नहीं है। सुबह से बारिश हो रही थी, उन्होंने बोला था आज पूरे दिन बारिश होगी, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा धूप पड़नी शुरू हुई ये बाहर निकल चुकी है और अब आप देख सकते हैं। और ये है व्यू, इसी बहाने हमारा शीशा पूरा साफ हो चुका है। तो यहाँ पे वेदर एकदम से दोबारा चेंज हो चुका है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे धूप है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे धूप है, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियां हम उनको क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने कितनी बड़ी पहाड़ी दिख रही है, और यहाँ पे देखिए काउज नहीं रोड पे छलांगे मारती हुई भालू। इनका स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ माइंड हो चुका है, और वेदर और रोड दोनों ऑसम है, तो हम पूरा पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में जो कि गरिमा जी ने सर्च की थी, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। हम एक ब्रिज दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको, और जॉय पूरा एंजॉय कर रहा है, तो लेट्स गो। कम कम, यस 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 यस। सो यही चीज हम जा रहे थे कि अच्छे से इंजॉय करे, तो ये भाई साहब बस आज इंजॉय कर रहे हैं गोवा के अंदर आके, एंड आइसोलेटेड प्लेस लेके आए हैं हम ढूंढ ढांड के बड़ी मुश्किल से। और इस चीज का बेनिफिट ये है हमारे को कि यहाँ पे ज्यादा क्राउड नहीं है, तो ये अच्छे से इंजॉय कर सकता है वो दे। और वहां पे हमने गाड़ी खड़ी की है, वो लोग आ रहे हैं और ये भाई साहब आगे चले गए। वॉच योर स्टेप्स, लेट्स गो। यहाँ पे जो है अपने फ्रेंड बनाते हुए और मस्ती पूरी करते हुए यहाँ पे आ चुके हैं हम। इसकी अगर आप लोकेशन चाहते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन आपकी यहाँ की गूगल की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग भी कभी आना चाहें तो आ सकते हैं। जॉय पीछे, व्यू कुछ इस तरीके से है जो कि मैं बोल रहा हूँ उसको पीछे, यहाँ से काफी डीप है और ये ब्रिज पे हम चढ़े हुए हैं। इसको मैं लीश बांध देता हूँ बिकॉज कुछ नहीं पता इसका, एकदम से एक्साइटेड हो तो कुछ इधर आ जाओ वापस। यहाँ पे हमने इसको लीश बांध दिया है, कुछ ऐसा यहाँ पे एक होल भी है तो ध्यान से, और शीतांशु जी अपने लाल बालों के साथ को लेते हुए, और यहाँ पे हम लेते हैं इनके कुछ स्लो मोशन अच्छे अच्छे वाले।
यहाँ पे आप देखिए गणपति विसर्जन जी हो चुका है और ऐसे ही मूर्तियों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे गणपति जी लाओ जो डिजोल्व हो जाए पानी के अंदर ही, इको फ्रेंडली। यस, सो यहाँ पे जो है जी बारिश शुरू हो चुकी है बेटा। हाँ वही कह रहे हैं, फटाफट से यहाँ पे मैप अप करते हैं, कुछ फोटोज लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको यहाँ की। गो 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 गो, यहाँ पे बारिश हो चुकी है और जॉय जी गाड़ी की तरफ भागते हुए जल्दी जल्दी गो 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 गो, कार पे जॉय। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय बहुत किया, बारिश हो चुकी है शुरू, बहुत ही अच्छा व्यू था और जॉय ने भी काफी एंजॉय कर लिया। आपने लास्ट की उसकी रनिंग देखी, बहुत अच्छी हुई है, बट बारिश तेज होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा हो गया। एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मिलेगी, तो हम दे रहे हैं। वेरी गुड, आप भी आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बट वेदर देख के आइएगा, थोड़ा व्यू बहुत अच्छा है और वेदर थोड़ा देख के आइएगा। यहाँ पे भी फोटो सेशन चल रहा है, इन्हें कहते हैं क्रेजी पीपल्स। ओके बाय बाय। यहाँ पे हम दोबारा आ चुके हैं, बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी जिस करके हमने कहा एक बार दोबारा चलते हैं, लोकेशन बहुत ही अच्छी है। ये लोग अपना फोटो सेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, अगर आप लोग भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं बब्बा? इधर आप। अब हम भी कुछ फोटो सेशन करा लेते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो फोटो सेशन के लिए, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी फोटोज कभी कभार डाल देते हैं और रील्स भी डालते हैं। एक तरफ से मुर्गे की बांग आ रही है, एक तरफ से पटाखे फट रहे हैं, वो हाथी वाथी को भगाने के लिए या तो कोई जंगली जानवर होगा घर के पास ना है तो उसके लिए, या गोलियां चल रही, कुछ तो हो रहा है। तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, निकलते हैं क्योंकि मौसम का भी कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से और लोकेशन काफी आइसोलेटेड थी, कोई भी नहीं था, थोड़ा गांव का एरिया पड़ जाता है तो इस करके थोड़ा जल्दी निकल लिए। बाकी बस एंजॉय किया थोड़ा बहुत, फोटोशूट वूट हो गया, जॉय को पूरा मजा आया, भगाया भगाया, थोड़ा सा वो थक गया था तो पानी वानी पिला के दोबारा उसको उसकी जगह पे बिठा दिया। अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ पे हम भरवा रहे हैं इसके अंदर अब पेट्रोल, हमने अभी तक इसमें 2000 समथिंग का पेट्रोल भरवा दिया है और 200 किलोमीटर चल गई है, 10 की एवरेज आ रही है I20 की, तो कि ठीक है। और यहाँ पे जो रेट आ रहा है पेट्रोल का आ रहा है 99.6 रुपीज़, ये वाले पेट्रोल पंप पे, बाकियों पे हमने देखा ही नहीं और चेक भी नहीं किया, तो कोई नहीं चलो इसमें भरवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया है 10.9 लीटर, तो ठीक है जी, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कितनी चलेगी यहाँ से। एवरेज ओके ओके दे रही है बिकॉज एसी हमारा कंप्लीट चल रहा है तो ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट जब हमने भरवाया था तो हमने इसके ट्रिप कर दिया था पूरे 100 किलोमीटर, 1000 का पूरा हमने भरवाया है और यहाँ पे 10.9 लीटर पेट्रोल आया है और एवरेज आपको बता ही चुके हैं। गाड़ी चलने में अच्छी है, इसका मैं एक पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा कि आप अगर कार लेते हो रेंट पे तो कहाँ से ले सकते हैं और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे अपडेट जल्दी मिलता है। अभी हमारा प्लान में कुछ चेंज आ चुका है। चेंज क्या है सरदार जी? काजू लेने जा रहे हैं पंजीम। ओए होए, तो राइट नाउ सीन कुछ ऐसा हुआ है, इन्होंने जब हम अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुए थे तो वहाँ पे किसी से बात की तो किसी ने बोला कि पंजीम में जाओ आपको काजू वहाँ पे सस्ते मिलेंगे, तो सरदार जी हो गए थोड़े से सेंटी, तो अब ये लेने जा रहे हैं अपने लिए काजू। है भाई काजू लेके दो। ओके तो अब इनको काजू लेके देते हैं। Finally we have reached our hotel और व्यू काफी अच्छा था, यहाँ पे हम गए थे काफी हमने एंजॉय किया। जियांश भी आ गया, वो तेरी तो लाइटें भी जल रही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रूम में और थक चुके हैं सारे, फटाफट से अपना चेंज वेंज करेंगे तो फ्रेश फ्रेश होंगे। इस व्लॉग को हम छोटा से ही रख रहे हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज और देखने के लिए। पीस कौन से वाला, ऐसा अच्छा व्यू मिल जाए हमारे को, बट ठीक है पीस मिलेगा।